और हमारे साथ पंडित पवन त्रिपाठी जी जुड़े हैं, साथ ही साथ लगातार बने हुए हैं सुशांत मुखर्जी एक बड़े पैनल के साथ, और इसके अलावा सहयोगी आलोक पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित पवन जी का रुख करते हैं। पंडित पवन जी, क्या इस वक्त का इंतजार किया जा रहा था कि 2021 13 दिसंबर ये दिन, ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा जिस तरीके से अब काशी या काशी विश्वनाथ मंदिर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी ने यह संकल्प लिया नहीं होगा कि क्या होना चाहिए, लेकिन जो सपना, जो एक रहा पीएम का, वो साकार हुआ। हम और आप जो सनातन से जुड़े हुए हैं, सब यही चाहते थे जिसे उन्होंने साकार किया। जी बिल्कुल, देखिए पहली बात है कि इस पूरे के पूरे ये जो घटनाक्रम आज उन्होंने देखा जी, इसको मूर्त रूप देने के लिए एक संस्कार चाहिए और एक संस्कृति चाहिए, एक ऐसा शासक चाहिए था देश को जो संस्कार और संस्कृति के बिल्कुल करीब हो, सनातनीय संस्कृति। वो चीज अभी तक अभाव था जी, और वो दृढ़ इच्छा शक्ति तो मोदी जी के अंदर संस्कार और संस्कृति, आध्यात्म के प्रति जो उनका रुझान और आध्यात्म के साथ साथ विज्ञान, ये उनका जो सामंजस्य था बिल्कुल, ये अलौकिक एक उनका जो व्यक्तित्व है कि भगवान शंकर का जो ये आदि नगरी है काशी, जिसको शास्त्रों में बहुत प्राचीन नगरी कही गई है, उसका परिपथ है, देव परिपथ कॉरिडोर का निर्माण जो कराया है, न भूतो न भविष्यति, इसके बनाने के लिए इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और सनातनी व्यवस्था के अंतर्गत और उसका मान सम्मान करने वाला पात्रता होनी चाहिए। वो चीजें जब एकीकृत हुई मोदी जी के अंदर, तब ऐसा सौभाग्य देखने को मिला है। यह जो है हमारे देश में ही नहीं, बनारस में ही नहीं, अनंत विश्व में यह संदेश जा रहा है, यह अध्यात्म का संदेश। निश्चित रूप से भारतवर्ष अध्यात्म का केंद्र रहा है और अध्यात्म जहां से अध्यात्म को और आगे बढ़ाया जाता है, वेद पुराण उपनिषद और विज्ञान, सनातन और ज्ञान, आज जो तस्वीर आई पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार होगा, लेकिन जिस तरीके से जो हमने बहुत पहले ऋषि मुनियों के वक्त ये बता दिया था कि कितनी दूरी सूर्य से पृथ्वी की है, किस तरीके से ग्रहण लगता है, हालांकि नासा का कैलकुलेशन अलग है, हमारे तो पांचांग में ही बता दिया जाता है कि क्या सारी चीजें हैं, उसका प्रचार प्रसार कैसे काशी से, क्योंकि जो सपना है पीएम का काशी को लेकर वो तो साकार होता जा रहा है, वक्त लगेगा लेकिन वो दिन भी आएगा। बिल्कुल, देखिए हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने पहले ही सारी चीज़ें गणना के माध्यम से स्पष्ट कर दिया था, और आज वो विज्ञान भी कह रहा है, विज्ञान इससे अलग कुछ नहीं कहता। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई विद्वान हैं, हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी भी हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से बात की जाए, आचार्य जी आप आचार्य हैं, जो चीज़ें आज विज्ञान कहता है हमारे ऋषि मुनि उससे बहुत पहले कह चुके हैं, तो ऐसे में जो आज जो ये सार्थक हुआ है काशी विश्वनाथ धाम, किस तरीके से देखते हैं, सनातन धर्म के लिए कितनी बड़ी बात है ये? देखिए आज का जो परिवेश है, जिस समय काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना हुई होगी उस समय भारत की जनसंख्या और आज की भारत की जनसंख्या, मैं तो ऐसे कह सकता हूँ कि उस समय जनसंख्या बहुत कम रही होगी, इतने लोग नहीं रहे होंगे, कम स्थान में काम चल जाता था, लेकिन जिस तरह से आज 130 करोड़ आबादी है भारत की और इस तरह का विश्वविख्यात सनातन संस्कृति को जीवंत रखने वाला यह भव्य मंदिर है, वहाँ स्थान की तो अति आवश्यकता थी, और यह कार्य जो आज हो रहा है ये मेरे दृष्टि से कम 50 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके पहले जो सरकारें थीं उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था, इसमें कोई लेस मात्र संदेह नहीं है, इसको कहा जा सकता है, किसी और पार्टियों को बुरा भले लगे, लेकिन पार्टी संस्कृत जो सनातन संस्कृति है वह किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। पहले पहले प्रधानमंत्री हैं जो गंगा जल लेकर के सीधे जलाभिषेक करने के लिए गर्भगृह तक गए जी। हमने
अपने होश में 42 साल का उम्र हो गया, लेकिन मैं अपने आँख से किसी भी प्रधानमंत्री को गंगा में इस तरह से खुले में स्नान करते हुए नहीं देखा था। और स्नान करके और अपने हाथ से जल ले करके आ करके और स्वयं बाबा को अर्पित कर रहे हैं, यानी यह संदेश दे रहे हैं कि केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, भारत के प्रत्येक हिंदू को अपने हाथ से जल ला करके और बाबा को अर्पण करना चाहिए। हमारे साथ प्रोफेसर देवव्रत जी हैं। देवव्रत जी, आपके बाल सफ़ेद हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, बहुत दुनिया देखी आपने, आज क्या देखा? आज मैंने यह देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संस्कृति के ध्वज को बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और उनकी यह एक विशेषता देखी कि जिन श्रमिकों ने निर्माण किया था कॉरिडोर का, उनके ऊपर उन्होंने फूलों की वर्षा की और उनके साथ भोजन किया। और दूसरी तरफ आप देखिए कि इतिहास को देखेंगे कि आगरा के ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट लिए गए थे, तिनकी दृष्टि सृजना की है, सृजन करने की है, और लोगों की दृष्टि विध्वंस की है, सृजन करने की है। एक सवाल आलोक पांडे जी आपसे, विकास के साथ आध्यात्म का सृजन कर रहे हैं पीएम मोदी। सनातन में एक चीज देखी गई है कि हम प्रचार प्रसार नहीं करते सनातन धर्म को लेकर, लेकिन अब जरूरत है कि काशीवासी जाए या भारतवासी जहां भी जाए वो कहे कि आइए और काशी को देखिए। जो काशी आपने देखी अब वो काशी नहीं रही, अब काशी बदल चुकी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री का आज का पूरा दौरा था और सुबह से लेकर अभी शाम तक हम जहां पे खड़े हैं, रविदास गेट है, यहीं से वो निकलेंगे और फिर वापस वो अपने गेस्ट हाउस जाएंगे। लेकिन जिस तरह की बात हो रही है, सनातन धर्म की बात हो रही है, जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण की बात हो रही है और जो भव्य तस्वीरें सामने आई, जिस तरह की हमारे कुछ विद्वान भी कह रहे हैं, निश्चित तौर पे ये एक सांस्कृतिक राजधानी बन गई है, एक आध्यात्मिक राजधानी बन गई है। और काशी के लोगों से हम जब गलियों में निकल रहे थे, सड़कों पर निकल रहे थे, एक बदलाव महसूस कर रहे हैं। वो इस बात के लिए बहुत दुखी थे कि ये काशी कहीं ठहर गई थी, ठहराव था इसमें, लेकिन 2014 से बदलाव है, विकास का बदलाव है, अध्यात्म श्रद्धा और इस तरह के भाव तो काशी से निरंतर निकल रहे हैं। अब ये काशी मॉडल बन रहा है जहां पे एक तरफ आपको आधुनिक विकास दिखेगा तो दूसरी तरफ धर्म और आस्था और भावनाओं का पहचान बनेगा। राहुल, हमारे साथ हैं काशी क्षेत्र के सहयोजक दीपक सेठ। क्या ये माना जाए कि जिस तरह का आज का कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है? जी, ये बहुत ही अनमोल चीज़ है। भव्य काशी, सुंदर काशी की ये एक ऐतिहासिक काशी की धरती पे ये जो परिकल्पना भी लोग कभी नहीं सोचे थे, आज वो उन्होंने कर दिखाया है माननीय प्रधानमंत्री जी। और इसके बाद हम लोग 2022 की सरकार और बहुमत की सरकार के साथ और 350 प्लस की मैं दावेदारी के साथ कह सकता हूँ कि मैं काम करूँगा और सरकार बनाऊँगा। नहीं, पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आज जो कुछ भी हुआ, यहाँ विकास के साथ अध्यात्म और सनातन को भी देश की ऊंचाइयों पर ले जाकर के काशी के एक जो पहचान है उसे देने की कोशिश की है, विश्व पटल पे देने की कोशिश की गई। ये बहुत ही बड़ा ये संदेश है। हम लोग ने ये काशी की धरती पर जन्म लिया और यहाँ पे इतना बड़ा विकास हुआ, ये कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर, कितना भव्य सुंदर कॉरिडोर बनाया गया, ये कभी भी कोई भी सरकार कभी सोची नहीं थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोच कर वो कर दिखाया है। बिल्कुल, देखिए जी, यही बात काशी क्षेत्र के सहयोजक हैं दीपक जी, ये कह रहे हैं कि वो जो कभी सोचा ना गया हो आज पूरा हुआ है। आज निश्चित तौर पे अगर काशी की बात करें, पिछले 3-4 दशक की बात करें, तो एक बहुत बड़ी तारीख है, एक बहुत बड़ा दिन रहा है यहाँ काशी के लोगों के लिए, काशी वासियों के लिए। आपने भी देखी और यहाँ जितने लोग भी बातचीत कर रहे हैं सबने देखी, और आज की काशी जो दिख रही है वो वाकई है, नजर नहीं हट रही है। पंडित पवन जी, जो सपना था वो प्रधानमंत्री ने पूरा किया, विकास के काम तो हो ही रहे जो कि निरंतर चलते रहेंगे, सनातन को लेकर अब आगे क्या आप सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए, अभी तक जो हमको पढ़ाया गया जी, धर्म निरपेक्ष, उसकी पहली बात व्याख्या गलत की गई। अब जो है, अब धर्म सापेक्ष होना चाहिए जी।
पंथ निरपेक्ष हो सकता, हम पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, जिसको चुनाव जीतने से पहले योगी जी कहा करते, मोदी जी कहा करते थे कि पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष नहीं, राजनीति हमेशा धर्म सापेक्ष होनी थी। जब राम राजा राम सिंहासन पर बैठते थे तो वशिष्ठ जी दिशा निर्देश करते थे, ये सनातनी व्यवस्था थी, धर्म का शासन, राजा के ऊपर धर्म का शासन हुआ करता था, किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, कहीं वो गलत न कर दे। वह देश की जनता को, जैसा कि आज हमने सुना मोदी जी ने देश की जनता को, आम जनता को भगवान कहा, क्या बात है, ऐसी भावना ऐसी धारणा एक सनातनी संस्कृति को बढ़ाने वाली, ये विकास की बात होती है। और मैं आपको बता दूं जी, जो हमारी वैदिक और सनातनी सभ्यता है पूरी तरह से वैज्ञानिक है जी। अगर हम अपने सनातनी संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण संवर्धन करते हैं तो निश्चित रूप से हम कालजयी होंगे, क्योंकि तो कालम महाकाल कालम विपालम, जो काल का अधिष्ठात्र देवता है वह बाबा विश्वनाथ, तो हम काल की गणना, जिसको हम ज्योतिष के माध्यम से गणना करते हैं, दिन और रात की गणना करते हैं, नवग्रहों की जो प्लेनेटरी पोजिशन है, आपको बता दू शिवपुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो ग्रहों का नियंत्रण है काशी में, तो उसका बैठे हुए है, और यहाँ सारे के सारे नव ग्रहों के द्वारा स्थापित भी है, उन सारे शिवलिंगों को जो नव शिवलिंग है विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के अंतर्गत, भगवान शंकर के विग्रह के ठीक सामने वो नव शिवलिंग रखे गए हैं, और उनको जो है तथाकथित पार्टी वाले कह रहे हैं कि खोज के मुखिया पार्षदी उनको स्थापित की गई है, उन नवग्रहों को, उन नवग्रहों का बटन भी यही बाबा विश्वनाथ के पास है। और जो हम आज अपने भाषण में कहा है कि हमने अगर इसका निर्माण कर रहे हैं विश्वनाथ मंदिर द्वारा रोड का, तो हम अंतरिक्ष में भी कदम रख रहे हैं, ये विकास है, ये आध्यात्म की उड़ान है। और किसी राज्य सत्ता का अगर संरक्षण करना है, राज्य को बढ़ाना है, तो देश के राजा को ठीक है। पंडित पवन जी आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद, और सुशांत आप तो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए पल पल की अपडेट दे रहे हैं और तस्वीर दिखा रहे हैं, आलोक आप भी तस्वीर दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से 13 दिसंबर 2021 का ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण पीएम ने किया, और जिस तरीके से लगातार आध्यात्म और विकास को साथ लेकर चल रहे हैं पीएम मोदी, आज हर काशीवासी बेहद खुश दिखाई दे रहा है। रुकते कुछ पलों के लिए। ओ नमः शिवाय।